आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। क्या जी तोड़ मेहनत के बावजूद आप कामयाबी से दूर हैं? क्या नौकरी या बिजनेस में आपको तरक्की नहीं मिल रही? हो सकता है आप अपने खास योग से अनजान हैं। धर्म की इस खास पेशकश में आज बात होगी आपकी कुंडली के एक ऐसे ही योग की जो आपको मालामाल कर सकता है, आपको कम प्रयास में ही सफलता की बुलंदियों और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो कौन सा है ये योग, आइए आपको बताते हैं। जब कड़ी मेहनत भी काम ना आए, जब पाया हुआ मान सम्मान भी खो जाए, तब एक योग से मिट जाएंगी आपकी सारी समस्याएं। राजयोग से खुल जाएंगे किस्मत के दरवाजे, राजयोग से बन जाएंगे आपके बिगड़े काम, क्या बचपन से हैं आप अपने राजयोग से अनजान? आपकी हथेली की रेखाएं खोलेंगी राजयोग का राज। क्या आपकी कुंडली में है राजयोग? राजयोग कहते हैं ये योग अगर आपकी कुंडली में हो तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, आपके किए गए हर काम में आपको सफलता की ऊंचाइयां मिलती हैं। पर सवाल यह है कि ये राजयोग कैसे बनता है और इसका लाभ आपको किस उम्र में मिलता है? आपके इन्हीं सवालों का जवाब आइए ढूंढते हैं। दुनिया में कई ऐसे इंसान हैं जो अपने राजयोग से अनजान रहते हैं, या तो वो राजयोग की प्राप्ति से एक कदम दूर होते हैं या फिर उनका राजयोग उन्हें लाभ ही नहीं दे रहा होता है। तो कहीं आपकी भी कुंडली का कुछ ऐसा ही हाल तो नहीं? आज हम आपके सोए भाग्य को जगाएंगे, आपको बताएंगे आपकी हथेलियों की रेखाओं के राज। ज्योतिष में राजयोग का खास महत्व है। जब कुंडली में कुछ खास योगों का संयोग होता है तब होता है राजयोग का निर्माण, और जब व्यक्ति की कुंडली में राजयोग का निर्माण हो जाता है तो वो न केवल व्यक्ति का सौभाग्य चमकाता है बल्कि व्यक्ति संपन्न भी हो जाता है और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि राजयोग के कारक ग्रह कौन से होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सारे ही ग्रह राजयोग देते हैं। कई लोगों को शनि और राहु के कारण भी राजयोग की प्राप्ति होती है। शनि ऐसा ग्रह है जो अखंड राजयोग प्रदान करता है। सूर्य जब अच्छा होता है तो सरकारी पद के कारण राजयोग प्राप्त होता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जो सबसे बेहतर राजयोग बनाता है। चंद्रमा से बनने वाले राजयोग में कम मेहनत में ही बैठे बिठाए सफलता मिल जाती है, पर यदि चंद्रमा कमजोर हो तो हमेशा राजयोग प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। वैसे कुछ कुंडलियों में राजयोग एक समय तक ही होता है, पर कुछ कुंडलियों में राजयोग अखंड भी होता है, और ऐसा होने पर व्यक्ति को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पैसा, सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है और बिना कुछ विशेष किए सौभाग्य बरसता रहता है। आगे बताएंगे कि आखिर आपकी हथेली के जरिए कैसे राजयोग की पहचान हो सकती है, पर उससे पहले आपको बताते हैं अखंड राजयोग के अतिरिक्त बनने वाले राजयोग के बारे में, और साथ ही आपको बताते हैं कि वो किस उम्र में लाभ पहुंचाते हैं। अखंड राजयोग के अतिरिक्त बनने वाले राजयोग विशेष समय पर ही सुख देते हैं। सूर्य से बना राजयोग व्यक्ति को 25वें और 26वें साल में सुख देता है। चंद्रमा से बना राजयोग व्यक्ति को 24वें साल में लाभ देता है। मंगल से बनने वाला राजयोग 27वें और 34वें साल में लाभ देता है। बुध से बनने वाला राजयोग 30 से 32 की उम्र के बीच में ही व्यक्ति को सुख प्रदान करता है।
बृहस्पति से बनने वाला राजयोग 16वें साल में राजयोग का सुख देता है। शुक्र से बनने वाले राजयोग की बात करें तो इस योग का लाभ 21वें और 22वें साल में ही मिल पाता है। शनि से मिलने वाले राजयोग का लाभ भी व्यक्ति को 36वें और 40वें साल में मिलता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राहु केतु भी राजयोग का निर्माण करते हैं। राहु से बनने वाले राजयोग का लाभ व्यक्ति को 48वें और 52वें साल में मिलता है, जबकि केतु से बनने वाले राजयोग का लाभ व्यक्ति को 41, 42 या 56 साल की उम्र में मिलता है। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि ग्रहों से कब और कैसा राजयोग प्राप्त होता है। आगे आपको हथेलियों की बनावट और उसकी रेखाओं के आधार पर बताएंगे राजयोग की पहचान। आप बने रहिए हमारे साथ। किन ग्रहों से बनता है राजयोग और उम्र के किस पड़ाव पर होता है इनसे लाभ, ये तो आपने जान लिया। पर सबसे खास बात अभी बाकी है कि आखिर हथेलियों से आप कैसे कर सकते हैं अपने राजयोग की पहचान, ये भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि कैसा बीतने वाला है शुक्रवार का दिन। मेष, लाइफ पार्टनर से मतभेद सुलझ जाएगा। नौकरी में नया अवसर मिलने वाला है। अचानक पैसे मिलेंगे। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 74। वृषभ, किसी आध्यात्मिक काम में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर मिलेगा। पाचन तंत्र खराब हो सकता है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 58। मिथुन, गुस्से में करीबी संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के मामले में अभी देरी है। नौकरी करने की सोच सकते हैं। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 77। कर्क, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी। नौकरी में प्रमोशन का योग है। संतान से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 75। सिंह, मुकदमों में विजय मिलेगी। परिवार की परेशानी में सुधार होगा। पैसे आसानी से मिलेंगे। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 72। कन्या, कोई पुराना मित्र मददगार होगा। नई गाड़ी खरीद सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 58। तुला, सहयोगियों से मतभेद सुलझ जाएंगे। करियर की परेशानी दूर होगी। आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 85। वृश्चिक, सिर में चोट लग सकती है। दिया हुआ पैसा फंस सकता है। दही खाकर घर से निकलें। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 54। धन, प्रेम संबंध मधुर होंगे। पैसे का लाभ बना रहेगा। घर में तालमेल बेहतर रहेगा। शुभ रंग ग्रीन। भाग्य प्रतिशत 69। मकर, कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। सेहत अच्छी बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में यश मिलेगा।
शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 80। कुंभ, नौकरी में बदलाव के योग हैं। पैसे को लेकर अधिक भागदौड़ ना करें। पाचन तंत्र संबंधी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 78। मीन, आलस से भरा दिन रहेगा, सेहत कमजोर रहेगी। शिवजी की उपासना करें। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 52। शुक्रवार का दिन आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है ये तो हमने आपको बता दिया, पर अभी बाकी है ये बताना कि आखिर आपकी हथेलियां कैसे खोल सकती हैं आपके राजयोग का राज, वो भी बताएंगे एक छोटे से अल्पविराम के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते हैं कि कुंडली किसी इंसान के भविष्य का पूरा हाल बयां कर देती है, पर आपकी हथेलियां भी आपके कई राज खोल देती हैं। और अब हम आपको आपकी हथेलियों के माध्यम से ये बताएंगे कि क्या आपकी कुंडली में है राजयोग। राजयोग का नाम सुनते ही लोगों की आंखें चमक उठती हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई कैसे इस बात की पहचान कर सकता है कि उसकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। तो चलिए हाथों की लकीरों और उनकी बनावट के आधार पर जानते हैं कि क्या आपको राजयोग का सुख मिल पाएगा। हाथ में रेखाओं की कमी होना, हथेली में सूर्य और बृहस्पति की उंगलियों की लंबाई लगभग बराबर होना, हथेली में चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत का उठा होना, बृहस्पति की उंगली सीधी होना, ऊपरी मंगल का पर्वत उठा हुआ होना, हाथ में चौकोर आकृति होना, हाथ में त्रिभुज होना, रेखाओं का साफ और पतला होना, अंगूठे का सीधा होना, अंगूठे का थोड़ा पीछे मुड़ना, नाखून साफ और चमकदार होना और नाखून के रंगों का गुलाबी होना, शनि की उंगली का सीधा होना, हथेली में सूर्य रेखा होना, हथेली में भाग्य रेखा का होना, भाग्य रेखा का शनि पर्वत तक आना, भाग्य रेखा सीधी और पतली होना, भाग्य रेखा का न टूटना। आपकी हथेलियों में इन चीजों का होना ये साफ साफ बतलाता है कि आपकी कुंडली में राजयोग है। तो आप भी अपनी हथेली को ध्यान से देखिए और जान लीजिए कि आपको जीवन में क्या राजयोग मिलने वाला है। धर्म में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ, कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।